खुन तो वजरात आज से हम एक सीरीज का आगाज कर रहे हैं और आपको मालूम है कि यह हज का सीजन है हज का मौका है हज के दिन है तो हम इन शाह अब अगले प्रोग्राम जो करेंगे वह हज के हवाले से करेंगे और अपने जो मौजूद कराम है इनसे सीखेंगे जानेंगे कि हज का फ़लसफा क्या है हज की हकीकत क्या है हज के आदाब क्या है हज की हकमतें क्या हैं हज के मकासद क्या हैं हज किन पर फर्ज है और हज करने के बाद आदमी में कौन सी तब्दीलियां आनी चाहिए हज के मकासद क्या हैं मकासद एक मकसद फर्द पर मरतब होते हैं उसके असरा कुछ असरात ऐसे होते हैं जो अकवाम पर मरतब होते हैं हज करने के बाद और हज करने के बाद क्या कुछ असरात क्या उम्मत पर भी मरतब होने चाहिए कुछ प्लान्स बनाए जाए कुछ मकासदे तय किए जाएं कुछ अहदाफ तय किए जाए और हर साल हज के मौके पर जब उम्मत जमा हो रियासतों के सरबराह जमा हो और अपने कुछ आ, कुछ पॉइंट्स कुछ निकात कुछ अहदाफ जो उन्होंने तय किए हैं वो उन पर अगले हज तक उन पर काम करें फिर उसका एक एहतसाब किया जाए अपनी जो परफॉर्मेंस है उसका जायजा लिया जाए कि हम किस हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए हमें कहाँ कहाँ मजीद काम करने की जरूरत है ताकि एक उम्मत का तस्वर वो भी बहाल रहे यकीनन एक शख्स को एक फर्द पर हज करने के बाद बहुत अहम और बड़े वाज असरात उस पर मुरतब होते हैं और बात निकलेगी उस जहल में भी कि मुझे कैसे मालूम हो कि मेरा हज कबूल हो गया तो फरमाया जा रहा है कि ये देखो कि दुनिया से जो रगबत है वो कम हुई या नहीं ये देखो किब इलाही बढ़ा या नहीं बढ़ा बहुत सारी बातें खातिन इस जैल में आएंगी और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे हज के फलसफे हज के हमत हज के मकासद हज की हकीकत के साथ साथ के सरकार दो आलम सल्ला वसलम की बेसत के बाद और बेसत से कबल जो हज अदा होता था उन दोनों के मा क्या फ़र्क है जैसा कि हम और आप जानते हैं कि पहले जो हज होता था उसमें बाज औकात यूं भी होता था कि बरहना तवाफ किया जाता था बरहना हज किया जाता था फिर अरफात तक नहीं जाते थे कुरैश कुरैश वापस आ जाते थे फिर कुरने करी मशात फरमाता है कि ये पिछले दरवाजे से वापस आते थे हज से के लिए जाते थे घर के यानी सदर दरवाजे से वापस आते तो पिछवाड़े से वो कूद कर आते थे बहुत सारी बातें मीना में क्या होता था मुशायरे हो रहे हैं बाजार लग रहे हैं फसूक की बात हो रही है बहुत सी बातें इस जैल में भी आएंगी हम पूछेंगे दोनों हजों के ताल्लुक से क्या फर्क पैदा हुआ और एक बहुत अहम बात बहुत अहम बात और उस पर गुफ्तु होगी कि निसी के महीने उस पर भी हम बात कर चुके हैं पयाम सुबह में वो निसी के महीने ये हो होते थे कि जो हरमत वाले महीने उसमें जंग नहीं होती कताल नहीं होता उनका ये उसूल और कुलिया था यानी अरबों का लेकिन बाद क्या करते थे कि वो कि अपनी मर्जी चलाते और उन महीनों को यानी हरमत वाले महीनों को तब्दील कर देते थे आठ हिजरी में मक्का फतह होता है नौ हिजरी में हज हो रहा है अमीर हज खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ते उस साल सरकार दोआलम सल वसलम ने हज अदा नहीं फरमाया आपने अगले बरस यानी दस हिजरी में अपनी हयात मुबारक का पहला और आखिरी हज अदा फरमाया हिजरी में जो हज हुआ वो जिलहज के महीने में नहीं हुआ वो जीकात के महीने में हुआ और खातन जो आखिरी खुतबा वहां भी अल्लाह तला के रसूल सल्लाह वसलम इशाद फरमा रहे हैं कि और पूछ रहे हैं लोगों से कि यह बताओ कि आज ये कौन सा महीना है आज जिल्हज बताया फरमाया गया जिलहज का महीना आज कौन सी तारीख है बताया गया अलहजो अरफा यानी नौ नौजिलहज हज का दिन अरफे का दिन आप फरमा रहे हैं कि घूमते घूमते हज अपनी असल मकाम पर आ गया ये भी हमें बताएंगे और हम सीखेंगे खातिन हजरात अपने अहद के जैयदलमा से तशीफ फरमा है मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब खातन हजरात मुमताज आलमदीन है सब आपसे वाकिफ बड़ा मकबूल मारूफ और महबूब नाम हमारे मुल्क का दार्लूम कराची से फातिब तहसील और जामिया बिन नोडी टाउन से तहसील आज के जो मसाइल हैं जदीद दुनिया के मसाइल उन पर गहरी निगाह मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब की एक दुनिया का आपने सफर किया मुस्तकिल आप सफर करते रहते हैं और जिसे हम कहते हैं अहद का लम्फ वह आपकी गुफ्तु में मौजूद खातिन एक और नौजवान स्कॉलर मुफ्ती साहेबिन निगाह मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब मोहतरम नाजरीन मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब बहुत साहिब निगाह और बहुत मुताला आदमी जामिया कराची से अंग्रेजी में मास्टर्स किया और आज एक बड़े तालीमी इदारे में और एक सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी के उस्ताद हैं दोनों मेहमानों को खुश आमदेद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा सूर्य बकरा की आयत नंबर एक सौ पच्चीस से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى ابراهيم وإسماعيل أن تغفر بيتي أن تغفر بيتي يا الطائفين والعاكفين للطائفين والعاكفين والركع السجود

और इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और, और, और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो सद्लाजी इससे पहले के रखें सवाल हम मुफ्ती साहब की खिदमत में फलसफा हज के हवाले से कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल कल का सवाल यह था कि हाजी जिन जगहों पर रुक कर एहराम बांधते हैं उनको क्या कहा जाता है दुरुस्त जवाब मीकात आज का सवाल नोट फरमा लीजिए हज जिंदगी में कितनी मरतबा फर्ज है हज जिंदगी में कितनी मरतबा फर्ज है दो मरतबा एक मरतबा या तीन मरतबा खातिन दुरुस्त जवाब रवाना फरमाने के लिए हमारे फोन नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं नोट फरमा लीजिए हमारे नंबर हैं जीरो जीरो नाइन डबल टू वन थ्री और 981 अगर आप ईमेल करना चाहें अपना दुरुस्त जवाब तो रवाना फरमाइए हमारा ईमेल एड्रेस पी एस एट दुनिया टीवी डॉट टी और हमारा एसएमएस का नंबर 3031 मुफ्ती साहब सीरीज का पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं हज फलस हकीकत हिकमत ये हज है क्या हज के मायने हम समझते हैं कि इरादे के हैं लेकिन जरा इसको खोलिए इस लफ्ज़ को कि हज अल्लाह ताला ने हज को जो मुतारफ करवाया उसका बुनियादी मकसद और फलसफा क्या बिस्मिल्लर महमदून सल देखिए जैसे हज के माना तो लघवी आपने बता दिए हा और जीम ये चूंकि मुश्दत जीम है हज के माने आते हैं इरादे करने के कस्त करने के लेकिन जिस तरह इस्लाम की दीगर इबादत जैसे नमाज है सलाद है सोम है इनके एक लघवी माना है और एक इनके असलाही माना है एक वो मफहूम है जो कि शरीय ने मुतिन फरमाया किस वजह से हज का जो मफहम है या हज की जो अलाह है ये एक ऐसी इबादत के लिए बोली जाती है जो इबादत अल्लाह ताली ने एक खास ज़माने में और एक ख़ास जगह के साथ मुतन फरमाई है यानी हज की इबादत की खसूसियत यह है जैसे दूसरी इबादत जो है वह किसी जगह के साथ खास नहीं है नमाज है रोज़ा है यह रोय ज़मीन पर इंसान जहां मौजूद है हर जगह है इनमें बाज का औकात के साथ ताल्लुक है ज़माने के साथ ताल्लुक है हज एक ऐसी बात है जिसको अल्लाह तला ने एक खास जमाने के साथ भी ताल्लुक रख दिया यानी कि ज़िलहिज के महीने में होगी और एक खास जगह के साथ ताल्लुक रख दिया यानी कि मक्का मुकर्रमा में और जो भी अरफात और मीना के इलाके हैं वहां पर होगा ठीक तो इस वजह से एक तो ये एक इस वजह से हम जब इस लफ्ज को बोलते हैं हज तो इससे मुराद है मखसूस इबादत किसी और जगह का इरादा करके चले जाना या किसी और मकाम पर चले जाने को किसी भी सूरत में हज नहीं कहा जा सकता अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला की इस इबादत का मफू मकसद इसका फलसफा क्या है तो देखिए जितनी भी इबादत हैं, उसके पीछे अल्लाह ताला ने बहुत हमतें बहुत फलसफे रखे हैं लेकिन दो तीन चीजें उसके अंदर बुनियादी होती हैं। इसी तरह हज के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक तो बुनियादी बात है वो इसका इबादत होना और एक खास उसलूब पर इबादत होना और ये उसलूब एक ऐसा खास है जिसके अंदर अल्लाह ताला इन दिनों में इंसान के ऊपर एक खास किस्म की कैफियत तारीफ फरमाते हैं खास किस्म के अहकाम देते हैं खास लिबास पहनने का हुक्म होता है ख़ास जगह जाने का हुक्म होता है बाज हलाल चीज़ें हैं उन तक को तर्क कर देने का हुक्म होता है तो इंसान से अल्लाह सुबहाना ताला नमाज के अंदर भी इंसान इबादत कर रहा होता है लेकिन इस इबादत के अंदर कुछ अब्दीत की कैफियत ज्यादा मांगते हैं कि तुम्हें एक खास लिबास पहनना है खास जगह जाके रहना है ये ये चीजें जो फैसे हलाल हैं आम हालात में तुम्हें नहीं करनी और इस इस तरीके से अंजाम देना है चुनान चाहे रसूल सल्ला वो तरीके तक तालीम फरमाए तो इस वजह से एक ये सूरत खास जो इबादत की पैदा की गई इससे इंसान से, से अल्लाबान वाली ने एक खास तरीके की अब्दीत वाली इबादत मांगी और चूँकि इस इबादत के अंदर इंसान के ऊपर जानी मशक्क़त भी है इंसान के बदन की मेहनत लगती है और माली मशक्क़त भी है ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो उस इलाके से दूर रहते हैं इस वजह से अल्लाह सुबाना व तआला ने अपने महज फजल व करम की वजह से इसको इसकी जो फर्जियत है वो जिंदगी में मुतन रखी कि एक दफ़ा ही फ़र्ज़ किया इसको बाकी नहीं किया ये इस इबादत की एक सबसे बड़ी की शान है वो ये है और ये इबादत एक ऐसी इबादत है कि इसके जरिए इंसान अल्लाह के साथ करीब होता है करीब होने की दो कैफियत होती हैं एक तो होती है मानवी कैफ़ियत के इंसान इबादत करता है उसको कुरब अलही का एहसास होता है एक ये कि वो जगहें जो अल्लाह ताला ने बड़े अम्बिया के ज़माने से मुकदस रखी हैं उन जगहों पर जब इंसान को बुलाता है तो इंसान हिस्सी तौर पर जाहरी तौर पर जब उन जगहों पर जाता है और ये देखता है कि ये वो जगह है कि जो अल्लाह के नबी अबुल्बिया हजरत इब्राहिम आल्लाम के ज़माने से चली आ रही है आपकी वहां पर निशानियाँ हैं अल्लाह ताली नेर्न करी मेंशाद फरमाया फी ही आया तुम बइय ना तुम उसके अंदर वाज खुली निशानियां तो फिर इंसान का क़ुरब इलाही मजीद बढ़ता है यानी कि मानवी तौर पर भी बढ़ता है हिस्सी तौर पर भी वह महसूस करता है कि ये वो जगह हैं जहां पर नबी आए नबी करीमल् आए अम्बिया ने तामीर की यहां यहां पर गए यहां पर फला नबी थे यहां पर हजरत इब्राहिम की जोज मोहतरमा जब आई बच्चे के साथ तो पानी के लिए उन्होंने यहाँ पर दौड़ी तो गोया कि आप ये समझें कि अल्लाह सुबहाना वाली ने जो ये आखिरी उम्मत के अंदर जो तीन आसमानी मजाहिब का जो शजरा है हज़रत इब्राहिम से शुरू होता है वो पूरा वहां पर से मुतालिक है तो जब इंसान जिस्मानी तौर पर वहां जाता है तो उसके अंदर एक अल्लाह की तरफ इस कैफियत की वजह से भी कुर्क पैदा होता है तो इस इबादत का एक सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की तरफ करीब लाना अल्लाह के अहकाम की तामील कराना और अल्लाह के अहकाम की तामील अब्दीयत के रुख पे कराना कि अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे आप इसकी अकली तोजीह बता दें कि हम हज में दो चादरें क्यों पहनते हैं या ये कि हम तवाफ करने के जो सात चक्कर काटते हैं तो सात क्यों काटते हैं इस तरह से क्यों काटते हैं इस तरह से क्यों नहीं काटते तो इसकी कोई अकली तोजीह नहीं सिवा एक तोजीह के कि जैसा हमारे रब ने हुक्म दिया है वैसे ही करना है अगर हमें उसने हुक्म दिया कि तुम्हें पहले के तीन चक्कर में कंधे के नीचे से कपड़े निकाल के कपड़ा निकाल के कंधा नंगा रख के करना है तो वो हम करेंगे हुक्म दिया कि यहां पे तेज चलना है तो तेज चलेंगे हुक्म दिया कि बाल कटवाने बाल कटवाएंगे हुक्म दिया कि फला जगह जाके रहना है वहां रहेंगे दूसरा हुक्म दिया कि फला जगह चले जाओ रात को वापस आ जाओ नमाजें इस वक्त में पढ़ते हो अब आगे करके पढ़ लो तो इस पूरे और, और नमाज़ें जमा कर लो जमा कर लो सही की आपने बात की हजरत हजरा सलाम की वो जो सुन्नत है उसको क्यामत तक के लिए मुस्तकिल फरमा दिया और एक सबक ये भी दे दिया कि बैठना नहीं है सही करनी है दुनिया को फतेह करना है और कोशिश करनी है हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना इस पर तमाम गुफ्त हम करेंगे लेकिन तमाम जो अरकान है जब उस जेल में हम बात करेंगे लेकिन जो बात फरमाई मुफ्ती साहब ने एक बात की हज कुर्ब खुदावंदी अल्लाह ताला से मुझे कुर्बत होती है मैं जब हज कर लेता हूं दो चादरें और तलबिया पढ़ते हुए कि लब्बैक मैं हाजिर हूं लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन अल हमदा वन मुल्क ला शरीक लक मैं हाजिर होता हूं कफन पहना हुआ है मैंने एक बात तो ये दूसरी चीज ये कि दुनिया से बेरगबती पैदा हो रही है मेरे अंदर अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ ये दुनिया कुछ भी नहीं है तेरे सामने आ गया हूँ मैं इर्शाद बसमी साहब हज के फलसफे को समझने के लिए थोड़ा सा हम माजी के झड़ोकों में चले जाते हैं। जी। हम हजरत इब्राहिम से मुतिक आपने आयत करीमा को पढ़ा तो जरा इब्राहिम आल्लाम के दौर से मुख्तरन हम एक नजर वहा गुजार लेते सुबह हजरत इब्राहिम आल जिस इलाके में पैदा हो रहे हैं वहां कुफर वार्म है लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं बल्कि कहने दीजिए जो चीज उनको ताकतवर और क़ुवत वाली नजर आती है चाहे चांद हो या सूरज हो या आग हो या कोई और चीज हो वो उसके सामने अपना सर झुका देते कर हैं जाकर हजरत इब्राहिम स्लम आते हैं आकर दुनिया का मुशाह करते हैं लोगों को देखते हैं गिरदो निवाह में बसने वालों को देखते हैं और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये सारे तो खुद मखलूकें खाले कहीं हो सकते और जब खालि नहीं हो सकते तो मबूद नहीं हो सकते नतीजे तना आप इस फैसले को कर लेते हैं कि भाई इनकी इबादत नहीं की जाएगी जब फैमिली की तरफ से प्रेशर डेवलप होता है कि भाई इनको मानो और इन बुतों के आगे सर झुकाओ तो आप हिकमत और दानाई का एक मुजाहरा करते हैं जो कि कुरने हकीम में मौजूद है कि बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुहाड़ी रख देते हैं और सबको तोड़ देते हैं और कहते हैं भाई इसने तोड़ा है जब लोग खुद अपनी जबान से कहते हैं भाई ये तो हिल नहीं सकता तो आप फरमाते हैं यही मैं समझाना चाहता हूं जो हिल नहीं सकता वो खुदा कैसे हो सकता है जो कोई काम नहीं कर सकता खुदा कैसे हो सकता है उसके बाद फैसला होता है पार्लियामेंट के अंदर कि भाई इनको आग में डाल दिया जाए अल्लाह रबुल इजत आग से बचा लेते उसके बाद इब्राहिम फैसला कर लेते इस कौम के साथ रह नहीं सकता एक, एक जो, जो है मैं चाह रहा जो खुलासा है ना वो भी सामने आता जाए ताकि हम अल्लाह ताला के इस कलाम से ज्यादा से ज्यादा फैजियाब होते रहें यहाँ आपने जो बहुत अहम बात पढ़ाई बल्कि हर बात आपकी बहुत अहम है वाल साहब से मुकालमा सब कुछ फिर पार्लियामेंट की आपने बात की फिर आखिर में या नारूनी बर्दन व सलामा अला इब्राहिम उस वक्त क्या फरमा रहे हजरत इब्राहिम हजबल वकील हजब अल्लाह वकील यानी अल्लाह ताला की तरफ अपना रुख बिल्कुल सीधा रखा बस काफी है अल्लाह मुझे मिल गया तो सब कुछ मुझे मिल गया बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है अब हम इसको जरा तेजी से लेकर चल रहे बंदा फिर आप बीच में कहा एक अब एक इब्राहिम हजबल वकील का नारा लगाते हाँ, हैं और बात को खत्म कर दिया जाता है वहां से ताल्लुक खत्म हो जाता है वालदेन को छोड़ देते हैं दोस्त अहबाब को छोड़ देते हैं इलाके को छोड़ देते हैं माशरे को छोड़ देते हैं घर से निकलते हैं सिर्फ एक जौजा मोहतर में सात एक भतीजा जिसको तारीख हजरत लूत के नाम से जानती है साथ हैं घर से निकलते हैं बयाबानों में घूमते हैं लोग जो मिलते हैं उनको दीने मतीम की दावत देते हैं अल्लाह की तरफ बुलाते हैं समझाते हैं यहां तक के छियासी बरस की उम्र हो जाती है जो मुफसरीन ने बयान की है छियासी बरस की उम्र में ये एहसास होता है कि अब तो जोफ गालिब आ रहा है कल को पता नहीं जिंदगी रहती है नहीं रहती है मामलात क्या होते हैं अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह मैं कमजोर होता जा रहा हूं यह मिशन क्या इनकम्प्लीट रह जाएगा क्या यह मैसेज को रोक दिया जाएगा क्या इस पैगाम को महदूद कर दिया जाएगा अल्लाह मुझे कोई ऐसा मददगार और माविन दे दे जो मेरे इस मैसेज को आगे प्रोपोगेट करे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जनाब में दुआ को कबूल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इसमाइल सलाम की नेमत उजमत से नवाज देते हैं औलाद हो जाती है अब जब औलाद होती है तो फाइनल इम्तिहान लिया जाता है इस बात को चेक करने के लिए कि भाई मनसब इमामत जो पूरी दुनिया का है वो तुम तलब कर रहे हो तो जरा तुम्हारा एक आखिरी इम्तिहान भी ले लिया जाए कि जो नेमत नियासी साल के बाद तुमको दी गई है क्या अल्लाह की राम कुर्बान कर सकते हो हजरत इब्राहिम उस पर भी उस आजमाइश पर भी पूरा उतरते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जनाब से जो इशारात मिलते हैं उसको सामने रखते हुए अपने बेटे की कुर्बानी पर भी राजी और आमादा हो जाते हैं ये वही जगह है जहां पर रमी की जाती है और शैतान आके उसी जगह पर भटकाता है उसकी ख्वाहिश ये होती है ये क्या कर रहे हैं आप छियासी बरस के बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी आपको आप उसे अल्लाह के नाम में कुर्बान कर रहे हैं तो कंकरियां आज हज में उन्हीं जगहों पे मारी जाती हैं जहां शैतान ने हजरत इब्राहिम आसलाम को भटकाने, भटकाने की कोशिश की थी ठीक थी। थी। है अब इब्राहिम बिल्कुल ऐसा ही है अब इब्राहिम आल्लाम वहां पर राजी हो जाते हैं और इसमाही सलाम भी राजी हो जाते हैं आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दीजिए अब जब इब्राहिम उस इम्तिहान से भी कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का ऐलान फरमा देते हैं कि अब मनसब इमामत के लिए तुम्हारी हस्ती कामिल हो गई है और कयामत तक आने वाले लोग तुम्हारी इस इमामत को तस्लीम करेंगे और तुम्हारे सान तस्लीम खम कर लेंगे अब इब्राहिम स्ल्लाम का मिशन वसी हो जाता है क्योंकि अल्लाह ने पूरी दुनिया की इमामत दे दी है अबुलंबिया के अब आपको मनसब अता फरमाने वाला है अब आप अल्लाह रबुल्जत से जब सवाल करते हैं यान माविनों और मददगारों को डिप्लाय किया जाए पहला मावन हजरत लूत असलम को डिप्लाई कर दिया जाता है जॉर्डन की तरफ जो उर्दन का इलाका हैजरत जो छोटे साहबजाते हैं उनको डिप्लाई कर दिया जाता है किसकी तरफ फलस्तीन की तरफ जो मिस्र और गिरदोनिवा के इलाके हैं तीसरे साहबजाते हैं जो हजरत इस्माइल है उनको अपने साथ रख लिया जाता है और फिर ये सारी बातें जो कुरने हकीम की आयात हैं कि दोनों साथ मिलकर खाने काबा की तमीर करते हैं और मामला करते हैं उससे पहले आप तबलीग का काम करते हैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते जब बुलाते हैं तो दोनों अतराफ से जो जॉर्डन के अंदर आपके एक मुहाफिज गए हुए थे एक माविन गए हुए थे हजरत लूत सलाम और दूसरे माविन आपके गए हुए थे फलस्तीन की तरफ हजरत इसहाक सलाम दोनों की तरफ से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि यहां पर लोग इस तरफ माइल होना शुरू हुए हैं अब आप एक आलमगीर मैसेज के लिए एक जगह का इंतख्या करते हैं जो मिन जानबल्ला आपके लिए अमर कर दी जाती है वो जगह कौन सी थी वो खाने काबा की जगह थी जिसके बारे में मुफसरीन ने लिखा कि बाकायदा हवाएं चली और वो जो बाउंड्री थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी वजाहत फरमा दी कि ये वो मकाम है जहां पर मेरे घर की तामीर की जाए और इसको कयामत तक के लिए लोगों के लिए आने की जगह को मुतयन कर दिया जाए लोग आएंगे वहां पर तामीरतें काबा होती हैं जिस तरीके से पूरे और फिर आयत जो आपने इब्तदा में पढ़ी सफाई का हुक्म दिया जाता है पाक रखने का हुक्म दिया जाता है ताकि लोग आए तो एतकाफ़ करें नमाज पढ़ें सजदे करें सारी तालीमात होती थीके, हैं और जो जो साफ रख करें पाक रखें ये कूड़ा करकट से पाक की, की बात नहीं हो रही है ये शिर्क की नजासत से पाक रखें बिल्कुल सीटों को बाहर रखें तो ही खालिश की बात हो बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो जो चारों तरफ आप वर्क कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं जो मिशन लेकर आप उठे हैं उस मिशन की तकमील की तो जगह बनाई जा रही है कि अब लोगों को उस मकाम पर इकट्ठा किया जाएगा जहां अल्लाह के सिला के किसी को माबूत नहीं माना जाएगा जहां अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलेगा जहां अल्लाह के सिवा किसी की बात को नहीं माना जाएगा सबको जूते की ठोकर पर रखा जाएगा और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हर खुदा को पीछे फेंक दिया जाएगा और ऐलान होगा अल्लाह सबसे बड़ा है और बस उसी की बात के ऊपर अमल किया जाएगा और उसी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी अब वो घर बन जाता है घर बन जाता है लोग आते हैं और वहां आप आलमगीर खिताब फरमाते हैं यानी लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं ये मुख्तसरन आपकी दौरे मुबारक है हम इसको फौरन बहुत तेजी से लेकर आ देते हैं नबी सलाम की तरफ अब इससे पहले कि हम आए इस दौर को आगे और जो आपने बात फरमाई जो रेफरेंस दिया मैं चाहता हूं यहां पर एक नुकता और बहुत अहम है हर नुकता अहम है लेकिन कम अज कम एक नुकता कि जब बाप और बेटा हजरत इब्राहिम आलाम मुफ्ती साहब और इस्माहील असलम दोनों बैतुल्ला शरीफ की दीवारों को बलन फरमा रहे हैं क़रीम रहा है इर्षात फरमाया इतनी जायल इन्ना से इमामा तो उन्होंने फौरन दुआ की वो मिन जरूरी थी मेरे परवरदिगार मुझे तो इमामत के मनसब में बिठा रहा है लेकिन मेरी औलाद में भी ये जारी फरमा अल्लाह सुबहान वादा फरमाया लेकिन दूसरे अल्फाज में फरमा लादी तो हज़रत इब्राहिम ने फिर अल्लाह से जो आखिरी नबी हैं जिनकी जिसे जिनके लिए हम वजह वजूद कायनात और रसूल सल्लम तो, तो अल्लाह सुबहान तजरत इब्राहिम ने यह नमत मांगी और वो जो दुआ फरमाई और उस दुआ की तरतीब हजरत इब्राहिम ने अलग रखी अल्लाह सुबहान वाली ने उस तरतीब को बदल के उसके अंदर तकदीम और ताखिर फरमाई और इसके अंदर उन्होंने इशाद फरमाया औरफीम रसूल आयातिका व्यूअली महमलताबा वालिकमत वकीम तो यह मनसब रखे कि तलावत आयात करें हकमत सिखाएं किताब सिखमत सिखएं और तस्किया ये चार मकासद बेसत की दुआ फरमाईं अल्लाव व तै ने इस दुआ को कबूल फरमायाबहान तो इस वजह से हजरत इब्राहिम चूंकि अल्लाह सुबह ने खुद कुरानी करीम में शायद फरमाया वब्राहिम खलीला हज़रत इब्राहिम ख़लीलुल्लाह थे तो जब अल्लाह सुबहान तै की के साथ इनकी ये दोस्ती का मामला हुआ और मनसब इमामत का मामला हुआ तो अल्लाबाना तला तु से हजरत इब्राहिम ने वो ऐसी नमतें मांग लीं कि जिन नेमतों के ऊपर की कोई इंतहा नहीं और फिर नस्ल इब्राहिम हज़रत इब्राहिम की नस्ल में फिर अल्लाह अब तै ने वमत हज़रत इसमाइल आल्लाम की खानदान में रखी और उनके दूसरे साहबजाद हजरत इसाख़ की औलाद में भी नियमत नबूत रखी और फिर वह नमत नबूत चल कर नीचे बनी इसराइल तक आई और फिर आज भी जो दुनिया में तीन आसमानी मजाहब हैं वह हज़रत इब्राहिम इब्राहीम के की नस्ल में ही जारी हैं और हज़रत इब्राहिम की जो इमामत है वो तामत जारी है तो ये जो दुआ फरमाई थी हजरत इब्राहिम सलाम ने अल्लाह व तआला ने इसको कबूलियत अता फरमाई और साथ साथ बात यह है कि इस ये जो इमामत कम की जो तकमील है हजरत इब्राहिम को जो अल्ला सुबहान मनसब इमामत अता फरमाया उसकी तकमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हुई और ख़त्म नबूवत की शक्ल में हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो नेमतें अता की गईं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेशुमार दुनियावी और उखरवी नेमतें अता की गई आपको इसमत दी गई आपकी उम्मत को इसमत दी गई ये तमाम के तमाम जो है हज़रत इब्राहिम ने जो एक दुआ मांगी थी और आप गौर फरमाएं कि अल्लाह सुबहान तला से जिन अल्फाज में हज़रत इब्राहिम ने दुआ मांगी अल्लाह सुबहान वाली ने उन अल्फाज की सिर्फ तरतीब बदल दी लेकिन वह तमाम चीजें अता फ़रमा दीं कि ऐसे नबी अता फ़रमाए जो तलावत आयात करते हैं फिर तस्किया करते हैं फिर तालीम किताब करते हैं और फिर तालीम हिकमत करते हैं तो ये जो मकासद बेसत की जो के, लिए के हामिल नबी अल्लाह सुबहान तौर ने पैदा फरमाया आखिरी तो आप ये अगर इसको यूं कहें कि उन्होंने अपने लिए सारे जहानों की नेमत मांगी और अल्लाह सुबहान वाली ने उनको अता फरमा दी तो उनके नस्ल में एक ऐसे नबी को भेज दिया तो ये जो यानी आप, आप ये एक और बात भी समझे इसमें कि जब अलिया अकमल दीन अकुम की आयत उतरी तो यहूदियों ने कहा कि अगर ये आयत हमें उतरती तो हम तो इसको ईद का दिन बनाते तो आप ये गौर फरमाएं कि इस, इस आयत के इस दुआ के पीछे सिर्फ ये बात नहीं थी इस दुआ के पीछे अपनी इमामत की तकमील भी मांगी इन्होंने इस दुआ के पीछे नबूत का अख्ताम भी मांगा और इस, इस दुआ के पीछे अल्लाह अल्ला अल्ला सुबहान वाले से उन्होंने अल्लाह के नाजिल करद तीन जो हजरत आदम अल्लाम से चला आ रहा था उसकी तकनील भी मांग ली तो इतनी इतनी जामे दुआ मांगी कि उसके अंदर अल्लाह की तमाम तकमील, नबूत नबूत की नियमत है उसकी तकमील इमामत की तकमील, रिसालत की नमत है उसकी तकमील और खुद जो अल्लाह ने अपना दीन हजरत आदमी सलाम से उतारा और जो मुख्तलिफ अम्बिया के जमाने में उसमें तरमीम होती रही हर नबी के लिहाज से लेकिन आखिर मिला के अल्लाह सुबाना वाली ने अपने दिन को अलफ से लेकर या तक की जो तकमील फरमाई वो भी नस्ल इब्राहिम हजरत इब्राहिम की नसल में रसूल को भेजकर तो अल्लाह सुबह ने जो हजरत इब्राहिम को मनसब मत और वो जो अपना बत इब्राहिम खलीला वाली नेमत अता फरमाई थी उसकी वजह से अल्लाह सुबहाना तुम ने इतनी नियमतें अता फरमाई तो ये नेमत हजरत इब्राहिम ने मांगी और अल्लाह सुबहाना ने अपने फजल करम से आपको अता फरमाई तो समझे कि क्या, क्या मांगने वाले जो अल्लाह की मार्फत रखते थे और फिर क्या वो देने वाला समझे मांगने की भी इन्होंने इंतहा कर दी और उस ने देने की भी इंतहा सुबहानुबहान जहां तक आपने बात पहुंचाई थी उसको आगे इर्शा साहब ने कर दिया सुबहान अब यहाँ पर ये यह बात दुआ मांगी जा रही है हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं और वो जसू अलहिम आ जाते ही पे बात हो गई यहाँ पर तरतीब तब्दील हुई लेकिन जो फरायज रसालत है वो वही रहे यानी तलावत आयात और हिकमत की एक एक बात और एक और नुकता जरा सा हटके है लेकिन इसके साथ इसी आयत के जैल में है जब बाप बेटा खाने काबा की तामीर को कर रहे हैं दीवारें बुलंद कर रहे हैं तो दुआ मांगते मांगते वो आगे चल के ये बात कह रहे हैं कि रब बना तकबल तू बस यही हमारे हमारे लिए मुमकिन था तू हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा दे इब्राहिम और इस्माइल अकबर असल में साहब यही तो वो मजे की बात है जो हम खिदमत नज़ कर रहे थे आपकी कि आप दोनों एम कराम जो वहां पर सब परफॉर्म कर रहे हैं फील्ड में वर्क कर रहे हैं आप एक तरफ उनका मकाम आजीजी देखिए जो आपने निशाद फरमाया मकाम आजिजी है इन्ना कन तक समीम फतुब अलना हम पर तोज्जो फरमाइए इन्ना कन तक रहीम क्योंकि रहमत फरमाने वाली जात भी आप ही की है दूसरी तरफ जो हम शुरू से एक जुमला आपको लेकर चल रहे हैं कि मनसब इमामत और इमामत भी कौन सी इमामत जो कयामत तक के लिए कायम होने वाली है उस इमामत का तकाजा भी साथ साथ पूरा कर रहे हैं कि ये मिशनरी वर्क ऐसा ना हो कि हमारी हस्ती के जाहिरन दुनिया में पर्दा फरमाने के बाद खत्म हो जाए मौला इस मिशनरी वर्क को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारी औलाद में भी ऐसे नफूज को पैदा फरमा दे जो इस काम को आगे तक लेकर बढ़ते रहे और तेरे दीन को पाए तकमील तक पहुंचाते रहे इसीलिए जब हजरत मोहम्मद रसल्लाबारक वसलम का दौरे मुबारक आता है तो बीच में जो दो से ढाई हजार साल का एक तकरीबन वक्फा आ रहा है उसके अंदर जो आलाइशें आती हैं कदूरते आती हैं मसाहिब आते हैं या तब्दीलियां आती हैं जिस तरह से आपने जिक्र भी फरमाया इब्तदा में अपने खुतबे के अंदर कि वो जिबा करते हैं तो खून को उठा के खाने काबा की दीवारों पर मलते हैं या बरहना तवाफ करते हैं या दीगर जो उसके अंदर गलाजतें उन्होंने पैदा कर दी थी हज के अंदर नबी अलैहि व सलाम आने के बाद पहले इक्कीस साल परफॉर्म करते हैं इक्कीस साल नबूवत के ऐलान के बाद लोगों की फिक्री जहन साजी करते हैं तरबियत करते हैं उनको अल्लाह की हकानियत और तोहहीद और वहदानियत का दर्ज देते हैं और उसके बाद इक्कीस साल के बाद लोगों को लेकर उसी मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपके वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम सलाम ने तमाम दुनिया के लोगों को इकट्ठा फरमा लिया और जब वहां लेकर पहुंचते हैं तो दस दिलहजा को अब आप उस पैगाम की तकमील और तकमीन फरमा रहे हैं ये कहते हुए कि आज के बाद इस मकाम पर किसी झूठे खुदा की इबादत को नहीं किया जाएगा आज के बाद यहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र होगा और अल्लाह वाह शरीक का जिक्र होगा और हर आने वाले को यह सबक पढ़ा रहे हैं कि जब तुम आओ तो यहां पर आके क्या कहना लब अल्लाह लब ला शरीक वल इनदा ला शरीक लक यानी तुम यहां पर आके खालिस तौहीद का इकरार कर लेना अब देखिए हमें इस पूरी गुफ्तगु से जो बात समझ आ रही है फलसफा हज के हवाले से वो फलसफा यह है कि आपने एक मरकज ऐसा बनाना था कि जहां पर आकर उम्मत मुस्लिमा के मानने वाले तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए जो बिखरे हुए हैं जो बटे हुए हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं उनको बुलाया जाए उनकी कौमियत उनका रंग व नस्ल उनकी जबाने उनके जो मामलात और मीशत और माशरत के चल रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है लेकिन अल्लाह इज्जत की जात वो जात है कि उसके नाम पर तमाम दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया जाए और वहां पर अल्लाह इज़्ज़त का वो आलमगीर पैगाम जो दीन इस्लाम की सूरत में नबी सलाम से हम तक पहुंचा उसकी तालीमात को दोबारा तस्कर दिलाया जाए ताकि ये मुसलमान जब दुनिया में वापस अपने अपने इलाकों में जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की उन तलीमत का प्रचार करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन तक पहुंचाई और नबी सला सलाम ने उन तलीम की बलागत फरमाते हुए उम्म को आगाहीता फरमाई सुबह सुबह अल्लाह सुबहानल्ला अल्लाह बड़ी अहम गुफ्तु बुनियाद फलसफा, हकीकत के माना, मफाहिम वो आप दोनों हजरातें अता फरमाए गुफ्तु बाजात बहुत शकील हो जाती है लेकिन क्या किया जाए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो बयानी उसी अंदाज से होती हैं कि जिसमें जरा सकालत होती है लेकिन जो हमारे मोहतरम नाजरीन हैं उनसे दरख्वास सिर्फ यह है कि अपने सवाल भी जैसे आप भिजवाते हैं हमारे पास कुछ सवाल हम अभी आपको दिखाएंगे वीडियो क्वेश्चन के हवाले से भी लेकिन ये जो बुनियादी गुफ्तु है इसको समझने के लिए अगर कोई दिक्कत है तो एक एतराज़ ये होता है या एक सवाल यह आता है कि हमारे बाज़ अवकात बड़ी गाढ़ी गुफ्तगु फरमाते हैं ये गाढ़ी गुफ्तु नहीं है होता यह है कि हम अपने मैार को बलंद करना भूल जाते हैं हम एक नाजिर की हैसियत से सिर्फ एक दरख्वास्त यह है कि हम अपने मैार को बलन करें कि यह गुफ्तु अगर कहीं कहीं अगर कहीं कहीं हालांकि कोशिश यही होती है दोनों हजरा की हर आलम दीन की कि वो बिल्कुल सलीस जबान में गुफ्तु करे लेकिन मुझे कभी कभी महसूस होता है कि बाजा कुछ गाड़े अल्फाज आ जाते हैं खातिन हजरा इस वक्त कुछ सवाल हम रखेंगे अपने मौजुदा की खिदमत में हज के हवाले से ये सवाल हमने यहाँ कराची की सड़कों पर खड़े होकर रिकॉर्ड किए हैं जनाबे वाला सवाल दिखाइए असलकुम मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि हजय अकबरी क्या होता है मुफ्ती साहब हज अकबरी क्या होता है हजय अकबरी की तो लफ्ज जरा पहली दफा मैंने सुना सुनाज अकबर बहुत सारे लोग इसको हज अकबर कहते हैं जी जी बिल्कुल और ये एक असलाह है जो लोगों में मारूफ है, जी है। और शरण तो इसका कोई ऐसा तस्वर नहीं है अगर जुमे के दिन हज आ जाता है तो लोग उसको कहते हैं हजे अकबर है ठीक और लेकिन शरीय में इसके लिए कोई ऐसी असतलाह नहीं आई है और गालिबा इसको हज अकबर लोग इस वजह से भी कह देते हैं कि जुम्मे एक बड़ा बाबरकत दिन है अगर उस दिन अल्लाह सुबहाना ताला हज भी रख देखिए उस दिन उस दिन की अजमत में इजाफा हो जाता है लेकिन ये कि उसको हजी अकबर कहना और खसूस हिंदुस्तान में जो रिवाज पढ़ाए मुझे इसकी कोई बुनियाद और कोई असल में नहीं मिली है अच्छा इसके चीज़ जी जी वो ऐड ये है कि इमाम गजाली रहमान ने अपनी किताब के अंदर इस बारे में वजाहत की है और एक हदीस आपने नकल फरमाई है उस हदीस का मफूम यह है कि नबी आसम ने फरमाया जब यौम हज का दिन जुम्मे को पड़ जाए तो अल्लाह रबुल्जत उस हज को सत्तर हजों के बराबर फरमा देते तो इसी वजह से वो जो एक हदीस इमाम गजाली ने लिखी हैलूम के अंदर उससे हमें ये नजर आता है जिस तरह से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि शरी है तो हजय अकबर के लफ्ज की कोई नहीं है लेकिन अगर वो जुम्मे को पड़ जाए तो क्योंकि उसका सवाब सत्तर गुना बढ़ा दिया जाता है इस वजह से वो टर्म जो है हज अकबर के नाम से और ये बात हो ठीक है मुफ्ती साहब अगला सवाल लेते हैं बिसमान रखीम मुफ्ती साहब से हमारा सवाल ये है कि आजकल जो लोग आज पे जा रहे हैं इन लोगों ने क्या अपने माल को देखा है कि हमारा माल हक़ लाल है ये आज के काबिल है या नहीं है ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल और देखिए इस शख्स ने कितना अच्छा सवाल किया जब हम हज पे जाते हैं तो हमें माल हो, मालूम हो कि हमारा माल हम जा रहे हैं किस पाकिजा माहौल में जा रहे हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं तो क्या नाजायज आमदनी के साथ आ, क्या उसको हम ज्यादा राह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए हदीस शरीफ में आता है इन अल्लाह तय्यबन जी लायकबल्ला तय्यबन अल्लाह खुद पाकिजा है और पाकिजा चीज कबूल फरमाता है अभी हमने इस बात पर अभी गुफ्तू की कि हजरत इब्राहिम हजरत हरजत इसमायल इतने बड़े अम्बिया जब अल्लाह की खिदमत में एक, एक काम कर रहे हैं तो दुआ क्या कर रहे हैं रब्बना तकबल मन्ना इतने बड़े लोग जिनके लिए आप समझें कि कायनात की बकिया चीजें उनकी नस्ल के लिए रसूल को भेजा गया लेकिन वो ये दुआ कर रहे हैं तकबल मिलना इस वजह से ये बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम जब जा रहे हैं हज पे तो हमारा माल हराम तो नहीं और इसके अंदर हराम के अंदर भी और भी कई चीजें देखनी है बाद दफा ये लोग ये सिर्फ देखते हैं कि मेरा माल तो हलाल है लेकिन क्या आपने किसी का हक मारा हुआ है उसके हक को रोक कर आप जा रहे हैं ये भी एक तरीका है कि जिसको हम माल हराम में दाखिल करते हैं आपकी आमदनी हराम है नाजायज जरिए से कमाया हुआ है आप जायज जरिए से कमाकर दस रुपए अल्लाह की राह में खर्च करें ठीक और नाजायज जरिए से कमाकर आप सारी जिंदगी हज करें वो दस रुपया क्यामत के दिन मीजान के अंदर भारी होगा तो अल्लाह व वाली की खिदमत में अमल पेश किया जाए सिर्फ पाकिजा हमारे यहां जो ये रुझान आ गया है कि लोग समझते हैं कि गालिबा हम हराम खाएं और फिर रमजान के आखिरी अशरे में या हज पर अगर एक दो साल में चले जाएं तो गोया कि हम बिल्कुल पाक साफ और सुथरे होकर आ जाते हैं ऐसा कोई तस्वर नहीं है आप कम कमाएं आप हज पे ना जाएं लेकिन हलाल कमाएं अगर आप समझते हैं कि मैं हलाल कमा के हज पे नहीं जा सकता क्यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा आपसे अल्लाह सुबहान तला जानता है ये सवाल नहीं होगा कि तुम हज पे क्यों नहीं गए सवाल उस शख्स से होगा जिसके पास वसाइल थे जायज दौलत थी अब अगर एक आदमी की आमदनी हराम है तो उसको इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि पहले इस हराम आमदनी से निजात हासिल करें हलाल जराये पैदा करें अगर अल्लाह ताला उस वसाइल के अंदर रहते हुए तोफीक दे देता है तो हज करने चला जाए अगर तोफीक नहीं मिलती तो कोई ऐसा मजायका नहीं दिल में एक तड़प एक उड़न तो इंसान की रहती है वो हर एक मुसलमान के रहती है और रहेगी लेकिन बात यह कि जब हम अल्लाह की बारगाह में कोई चीज पेश करें तो कम से कम इसका जो कम से कम दर्जा है यानी कि अगर एक आदमी सौ फीसद हलाल माल से हज करने जाए उसकी भी कोई जमानत नहीं कि कबूल होगा इसलिए कि उसने तमाम अरकान सही से अदा किए हैं उसने सही मानों में खुशोखुजू के साथ काम किया है कहीं रियाकारी तो नहीं आ गई जब हलाल माल के अंदर इतने खतरात हैं तो अब एक आदमी जो हराम माल लेके जा रहा है वो क्या सोच के जाता है उसको क्या ये ख्याल नहीं आता कि जब बड़े बड़े अम्बिया और बड़े बड़े साहब इक्राम जब आखिर में बैठ के रोया करते थे कि पता नहीं हमारा अमल कबूल है या नहीं है एक आदमी सौ फीसद जानते हुए कि मेरा ये काम हराम है और वो जाता है और ये कहते हुए कि भाई माशरे में तो एक आम सी बात है भाई सब लोग लेते हैं तो हम भी ले रहे हैं और इसी में तो इस वजह से बाज दफ़ा तो मुझे बाज हजरात की तहरीर मैंने पढ़ी वो ये कहते थे इससे हमें बाद दफ़ा खुदा ताला की बारगाह में तोहहीन का खतरा महसूस होता है कि एक आदमी हराम मान लेकर उस ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक आदमी हुकूमत ने एक चीज की या बादशाह ने एक चीज की पाबंदी लगाई हो कि मेरे दरबार में मत लाओ और एक आदमी की उस पाबंदी को पढ़कर दोबारा दरबार में लेके घुस जाए तो बादशाह उसकी दुगनी सजा देता है कि भाई जब इसको मालूम है कि ये हम नहीं कबूल करते तो इस वजह से इसके अंदर तोहिन का भी इम्कान है तो इस वजह से इस चीज से बचना चाहिए और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह की राह में इखलास के साथ पाकिजा दिया हुआ एक रुपया हजारों रुपयों से बेहतर है और ये बादशाह वो है कि जो बादशाहों का बादशाह है बेअहकमिल उसके दरबार में हम जो उसने मना किया है अकल हलाल की बात होती है मैं अकेले हराम पैसे जमा करता हूं रिश्वत के सूद के और उस पैसे से मैं हज करने के लिए जा रहा हूं मैं आपकी भी कोई इस पर कमेंट्स चाह रहा हूं और उसके बाद फिर हम अगला सवाल लेंगे मैं बड़ा मुख्तसर सर ये मुफ्ती साहब ने बड़ी वजाहत कर दी है अगर एक जुमले में लें तो बड़ा मशहूर एक जुमला हमारे माशरे में बोला जाता है नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो हमारे यहाँ यही होता है कि वो सूद भी खा लो रिश्वत भी खा लो चोरी भी खा लो दूसरे का हक भी मार लो जायदाद के ऊपर भी कब्जा कर लो विरासत का माल जो बाप के मरने के बाद सही मायनों में तकसीम होना चाहिए उस पर भी कब्जा जमा लो ना बहन को हक दो ना भाई को हक दो और उसके बाद पैसे इकट्ठे करके हज पे चले जाओ और ये सोचो कि मैं ऐसे वापस आऊंगा जैसे माँ के बतन से हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं एक बड़ा फारसी का खूबसूरत शेर है जिसका सिर्फ तर्जुमा अर्ज कर देता हूं मौलाना महदुदी ने बड़े मजे से यह बात अपनी किताब में लिखी थी आप फरमाते हैं कि गधे को अगर खाने काबा हज के लिए भेज दिया जाए तो भले वो ईसा का ही गधा क्यों ना हो वो वापस गधा ही रहता है उसमें तब्दीली नहीं आती इंसान नहीं बन सकता तो अगर आप माले हराम के साथ वहां पर जा रहे हैं और गुनाहों में पलीद होकर वहां पर जा रहे हैं और इस तरीके से हराम को इकट्ठा करके और पेट में डालकर और रस... तकवे के बजाय ज्यादा राह उस हराम के माल को बनाकर जा रहे हैं तो याद रखिये आप पलीद ही वापस लौटेंगे पाक नहीं हो सकते अल्लाह के दीन के अंदर ना इंसाफी नहीं है और बड़े बड़े लोग जिनमें सलाहुद्दीन अयूबी रहमा जैसे लोग जो कि बादशाह वक्त और सुल्तान वक्त थे अल्लाह रब्ल ने अगर उनको माल नहीं दिया तो उन्होंने हज का सफर नहीं किया लेकिन इंद उनके अमाल मकबूल भी थे और अल्लाह रब्ल की बारगाना उनके दर्जा बुलंद भी थे। बिल्कुल सुबहानल्लाह और जैसा मुफ्ती साहब ने बिल्कुल वाज़े कर दी ये बात कि हज सिर्फ साहेब इस्तात पर फर्ज है एक बात यह फिर हम एक सवाल और रखेंगे इन बाद में कि एक साहेब इस्तेतात है उसके बावजूद भी वह हज पर नहीं जा रहा तो उसके लिए क्या वईदे फरमा रहे हैं सरकार वसल्लम ये भी हम रखेंगे बल्कि अभी आप फरमा दीजिए देखिए हज के और इसके बारे में तो हदीस शरीफ में हज है जिहाद है कुर्बानी है जो शायर इस्लाम समझे जाते हैं अगर एक शख्स अपनी हैसियत रखते हुए भी नहीं जाता रसूलुल्लाह रसूल सल्ला वसलम ने ऐसे लोगों से बरात और लातलुकी कालान फरमाया और एक जुमला जो इर्शाद फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं है इस पर हम एक प्रोग्राम में गुस्तू भी कर चुके हैं कि हम में से न होने का क्या मतलब है बाज़ मतलब इसके बड़े सख्त हैं बाज़ मतलब तो इसके निकलते हैं कि वो उम्मत में से नहीं है बाहर वो चाहे कलमा पढ़ता हो तो इस वजह से जो लोग हैसियत रखते हैं हलाल माल रखते हैं और हज करने नहीं जाते उनको इस चीज पर गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या रसूल सल्ला वसल्लम की उम्मत में शमूलियत चाहते हैं या रसूल सल्लि वसल्लम के वाज़े अहकाम और वाजान को अपने ऊपर अपने शौक से चश्मा कर रहे हैं दुनिया के घूमने फिरने के सियाहत के सफर करने पर लाखों रुपये खर्च करते हैं और हज में ये कहकर नहीं जाते कि भाई वहाँ बड़ा रश है और बड़े मसाइल है मुफ्ती साहब अल्लाह के रसूल सल्लासम ने यह नहीं फरमाया कि मेरा उम्मती जो साहिब इस्तात है और वह हज करने नहीं जाता मुझे परवाह नहीं उसकी कि वो यहूदी होकर मरे या, या, हो। या ना नसरानी हो ये आपका फरमा ये गौर करने की बात है मुस्लिम के उन लोगों के लिए कि जो साहिब इस्तात हैं उनके पास माल व दौलत है लेकिन हज की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स आ रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का इसको क्लोज कर दीजिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह आपने एसाज़ फरमाया कि सलाम की हदीस बिल्कुल वाजे है कि वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे इसका मतलब यह है कि नबी आ सलातम ने उससे ला तल्लु का मुकम्मल इजहार फरमा दिया है और इस बात का हर उम्मत मुस्लिमों में बसने वाले शख्स को पाबंद किया है कि अगर वो साहिब इस्तात है चाहे जिंदगी के किसी लम्हे में भी हो उसको चाहिए कि वह सफर करे और सफर करने के बाद वहां पर अल्लाह की खुशनुदगी को हासिल करने के लिए वहां तक जाए तकालीफ को बर्दाश्त करे इन श्ला उसको दुनिया में बड़ा बड़ा शकुर गुजार। सुभाने ल्ला, सुभाने ल्ला। हमेशा आप हजरा से हम सीखते हैं खबन के तालु पहला प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश हमने कर दिया और इन तमाम रफ्तार रफ्ता आगे चलेंगे बहुत सारे बुनियादी निकात सामने आ गए हज का फलसा हज की हकीकत क्यों अल्लाह ताला ये चाह रहा है फिर ये तलबिया पढ़ते हुए क्यों जाते हैं हम हजरत इब्राहिम की जो इशार कुरबानी आपका फलसफा उस पर तफीली गुफ्तु हमारे दोनों मुहज़ मेहमानों ने अता फरमाई और खुवान फिर वही बात बहुत अहम बात कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इसमाही दोनों खान काबा की दीवार बलंद फरमा रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं कि साहब हमारी औलाद ही में से ऐसा रसूल मबूस फरमा इन्हीं में से कि जो क्या करे जो तिलावत आयात करे जो इनका तस्खिया करे जो किताबत की तालीम दे और दुआए इब्राहिम खलीलुल्लाह पूरी होती है सरकार दोआलम सल्हसलम तशरीफ लाते हैं खबिन हजरात कुछ सवाल हमने यहां कुछ लोगों से लिए थे वो भी सामने रखे बहुत सारे अहम निकात हैं बहुत से सवाल हैं जो हमारे पास आए हैं और आ रहे हैं हम रफ्ता रफ्ता वो सवालत रखेंगे अपने मोज्ज की ख़िदमत में हम जब कल हाजिर होंगे अपने मोजज मेहमानों के साथ तो हम कुछ बातें मजीद रखेंगे कि जो पिछला हज था जो बेसत रसूल करीम सल्हु वसलम से कबल का जो हज था उसमें और बेसत के बाद फतेह मक्का के बाद सरकार दो आलमसम की आमद के बाद जो हज हुआ यानी फतेह मक् के बाद और जब आपने हज फरमाया दोनों के माबहन क्या फर्क है और क्या फर्क रहा फिर रफ्तार रफ्ता हम बात को आगे लेके चलेंगे खातिन ये जो अहराम है ये क्यों बांधा जाता है यह तवाफ क्यों किया जाता है मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि सात चक्कर तवाफ के हैं या सही के सात चक्कर यह आठ क्यों नहीं है या छह क्यों नहीं है इस पर तो गुफ्तु नहीं हो सकती ना वाताना कुरान करीम साथ फरमा रहा है जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लाह फरमा दिया वो हर पे आखिर है लेकिन ये तवाफ का मतलब क्या है गायत क्या है अहराम क्यों बांधा जाता है सही क्यों होती है मिना क्यों जाते हैं कंकड़ियां क्यों मारी जाती हैं रमी क्यों होती है नहर क्यों होता है हलक क्यों कराया जाता है तवाफ ज्यारत क्यों होता है इन ये तमाम जो मुनासिक हैं इनकी क्या क्या हमतें हैं ये भी इनशाला कल गुफ्तु में आएंगी खातिन हजरात प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो रहा है कल सवाल हमने ये रखा था कि हाजी जिन जगहों पर रुक कर एहराम मानते हैं उनको क्या कहा जाता है दुरुस्त जवाब मीकात और खावतिन हजरात मीकात जो सही जवाब है वो हमारे बहुत से नाजरीन ने उसका दुरुस्त जवाब अता फरमाया मैं चाह रहा हूं कि एक पर्ची मुफ्ती इमरान साहब निकालें और मुफ्ती इर्शाद साहब ऐलान फरमा दें आज के विनर का मुफ्ती साहब ये पर्ची मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी और मुझे यूएसए तो नजर आ गया जी जी ये आयशा अंसारी फ्लोरिडा यूएसए आयशा अंसारी साहेबा फ्लोरिडा यूएसए से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानेब से दुरुस्त जवाब बताने के सिले में कोई इसका दीनी कुतुब पर मुश्तमिल तोहफा पेश किया जा रहा है खबात हजरा आज का जो सवाल है वो मैं रखता हूं आपकी खिदमत में बल्कि दोहराता हूं वो सवाल यह है कि हज जिंदगी में कितनी मरतबा फर्ज है दो मरतबा एक मरतबा या तीन मरतबा दुरुस्त जवाब रवाना फरमाने के लिए हमारे फोन नंबर नोट फरमा लीजिए जीरो जीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर थ्री डबल जीरो नाइन एट जीरो या नाइन एट वन हमारा ई मेल एड्रेस पीएस एट दुनिया टीवी डॉट एस एम एस का नंबर थ्री जीरो थ्री वन प्रोग्राम का होता है आज की बात पर कौल होता है साहेब नहजुल बलागा का अमीर उलमोमिन हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाजह का आप फरमाते हैं कि नमाज शैतान के गलबे और हमलों से बचने का किला है कल तक के लिए अनीक अनिकमद को इजाजत खुदा